Now potential ordinary shares, they are basically not share at the moment, but they can be become the shares. How they can become the shares? Let's see. Diluted securities are stock options. Market में stock option बेचे जाते हैं कि आप ये खरीद लें और इनके बदले में आपको shares मिल जाएंगे. तो जब आप इनके बदले में share लेने जाएंगे तो you pay for it. वॉट एवर मनी यू रिसीव ऑन आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑप्शन शेयर दैन डैट मनी विल बी यूज टू री परचेज फ्राम द मार्केट शेयर्स यानी कंपनी खुद से शेयर ख़रीद लेगी और देखना पड़ेगा कि हमने एक्चुअली कितने शेयर आउट किए मसला आपने फ़र्ज करें एक हज़ार शेयर जो है ना ऑप्शन में दिए और उस मनी से आपने फ़र्ज़ करे दो सौ शेयर ख़रीद लिए तो बेसिकली आपने आठ सौ शेयर और मार्केट में ऐड की क्योंकि 200 तो आपने वापस ले लिए तो ये है ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट इसी तरह वारंट का कॉन्सेप्ट भी है देन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक कन्वर्टेबल का मतलब है कि जी आप अपने प्रेफर शेयर को ऑर्डनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्यों ज़रूरत क्या पड़ती है इसकी कि देखिए प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं उनको एक फिक्सड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है जबकि ऑर्डनरी शेयर्स को डिविडेंड मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी ऑर्नर शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा तो इफ दे एक्सरसाइज ई कन्वर्ट टू ऑर्डनरी शेयर निकालना पड़ेगी वैन दे कन्वर्ट देयर शेयर्स दे कैन बी एंटी डायलूटेडो एंटी डल्यूशन का मतलब यह है कि डायल्यूशन का तो मतलब ये होगा कि कम होना है शेयर की यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो कम हो जाएगी लेकिन एंटी ड्यूटेड में क्या होगा कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी देखिए किस तरह से बढ़ जाएगी मैं आपको बताता हूँ लेकिन आपने फर्ज के डिबेंचर इशू किए हुए हैं या बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं तो उस पर आप एक इंटरेस्ट पे करते हैं ठीक है और अगर वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स में तो वो जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो तो फिर पे नहीं करेंगे क्योंकि वो तो शेयर होल्डर्स बन गए तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो शेयर जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको हम प्रॉफिट में एड बैक करते हैं लेकिन उसमें एक कॉशन ये है कि आपने चूँकि इंटरेस्ट माइनस करके टैक्स कम पे किया है तो जब आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ जाएगा इसलिए आफ्टर यानी पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा तो उधर आपने प्रॉफिट में ऐड किया नीचे आपने शेयर्स कन्वर्ट करके जो ऐड किए तो आपकी एक श, अर्निंग पर शेयर आएगी अगर वो बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम है तो दैट इज़ कॉल्ड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो एंटी डाइलूटेड कहलाती है और हम डायल्यूटिड और बेसिक ये दोनों रिपोर्ट करते हैं लेकिन एंटी डायलूटेड uh, रिपोर्ट नहीं करते हैं इफ कन्वर्ट्स प्रेफर्ड स्टॉक इज प्रेफर्ड डिविडेंड मस्ट बी एडिड टू अर्निंग अवेलेबल टू दर्नर शेयर होल्डर्स सिमिलरली आपकी जो बॉन्ड्स uh, की मैंने बात की इंटरेस्ट जो है उसको एडबैक करेंगे तो उससे भी आप निकाल सकते हैं If convertible bond, then the bond's interest expense is not considered as an interest expense for diluted earning per share. Hence, the interest expense multiplied by one minus tax rate, as I said, post-tax, any tax ke baad, income banegi, that will be added to the profits and then you use it for the purpose of diluted earning per share. Yeah. Thank you very much.